राधे राधे फ्रेंड्स, मैं नेहा तिवारी फ्रॉम नेहा एजुकेशंस, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी की एक और बहुत सुंदर सी पगड़ी बनाना सीखेंगे, जिसको हम सिर्फ एक लैस लगाकर इतना सुंदर सा बनाएंगे। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी आने वाली सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। लड्डू गोपाल जी की इस पगड़ी बनाने के लिए हमें ये बुकरम चाहिए होगी। आप चाहें तो इस पगड़ी को बुकरम पर बना सकते हैं और आप इसे कार्डबोर्ड पर भी बना सकते हैं। मैं आपको बुकरम पर बनाना सिखाऊंगी। देखिए, मैं 5 नंबर की पगड़ी बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें लंबाई चाहिए होती है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हमें चाहिए होती है और 1 सेंटीमीटर हम एक्स्ट्रा लेंगे चिपकाने के लिए इसको। और इसकी ऊँचाई है 4.5 सेंटीमीटर। देखिए, हमें इसकी ऊँचाई चाहिए हमें 2.5 सेंटीमीटर होती है, वो हमारी 2.5 सेंटीमीटर ऊँची होती है। और हमने ये जो 2 सेंटीमीटर लिया है, ये हमने ऊपर लिया है इसके ऊपर के बेस के लिए। तो ऐसे ही हम यहाँ 2.5 सेंटीमीटर पर और इधर भी 2.5 सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे इस तरह से। और फिर निशान लगाने के बाद यहाँ पर एक हम लाइन खींच लेंगे। ये हमारी पगड़ी है और ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से डबल करना है और डबल करने के बाद में हल्की सी शेप देनी है। यहाँ से ज़रा सा ऊंचा लेकर और इस तरह से ये कट कर लेंगे इस तरह से। अगर आप यहाँ से ज़्यादा ऊंचा करना चाहते हैं तो यहाँ से और ऊंचा भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमारी आएगी ये और ये हमारा ऊपर का हो गया। इसको हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से मोड़ के, इस तरह से। हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर हल्के हल्के से कट करने हैं इस तरह से, छोटे छोटे से यहाँ तक हमें कट करने हैं। ये देखिए, इस तरह से पूरे में कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर हमें जो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया था उसी को हमें यहाँ पर इस तरह से करके चिपका देना है। यहाँ पर जैसे ग्लू लगा के इस तरह से इसको यहाँ पर चिपका देंगे। देखिए, इस तरह से आएगी। अब ये जो ऊपर जितने भी हमारे कट हैं, इन सबको यहाँ पर इकट्ठा करके, इकट्ठा करने के बाद जितना भी ये साइज आ रहा है, इस साइज का हम सर्किल काट लेंगे। 2 सर्किल काटने में इस साइज के, एक हम यहाँ लगाएंगे और 1 सर्कल को हम यहाँ अंदर लगाएंगे। चलिए सर्किल काट लेते हैं। ये देखिए, मैं 2 सर्किल काट लिए हैं ये और मैंने इसमें एक साइड अस्तर लगा लिया है। अब ये 1 सर्किल को तो हम यहाँ पर लगा लेंगे ऊपर, यहाँ पर ग्लू लगा के। इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका देंगे और 1 सर्किल को हम यहाँ अंदर लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आया, ये हमारा बेस ही बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर लैस लगाएंगे। देखिए, इस पर लगाने के लिए मैंने इस तरह की लैस ली है, पतली सी। इस तरह की पतली से आप कोई सी भी लैस ले सकते हैं। देखिए, हमें इस लैस को कैसे लगाना है, ये हमारा फ्रंट है और इसके पीछे ये हमारा बैक है, तो हमें यहीं से लगाने स्टार्ट करनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हम ग्लू लगा लेंगे यहाँ बीच में से, इस तरह से यहाँ पर लैस को रख के यहाँ पर, ये हमारा जो बीच आ रहा है, बीच के हमें इधर लेनी है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे बिल्कुल किनारे के साइड नीचे की तरफ, ताकि हमारी बुकरम ना दिखे। इस तरह से देखिए, इस तरह से लेंगे और हमारा ये ऊपर आया है, ये नीचे आया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से घुमाकर इसके बराबर में लेना है। यहाँ से हम इस तरह से इसके बराबर में लेंगे
यहाँ से नीचे से ले जाते हुए इस तरह से, और हम यहाँ ऊपर लेंगे। यहाँ के हमारा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर लेना है। एक बार हमें इधर लेना है और एक बार हमें इसके ऊपर लेना, इस तरह से हमें गोल गोल घुमा के पूरा कवर करना है। अब हम यहाँ पर लेंगे, देखिए लेस को हमें इस तरह से लगाना है कि हमारा पीछे बुकरम ना दिखे। अगर आपको लगता है कि आपकी बुकरम दिखेगी तो आप बुकरम के जैसे आपने इधर अस्तर लगाया है, ऐसे ही एक कपड़ा मैचिंग का, लेस की मैचिंग का इधर भी लगा लीजिए ताकि आपकी बुकरम ना दिखे। और अगर आप इसके बिल्कुल पास में लगाएंगे तो आपकी ये बुकरम नहीं दिखेगी। अब हम यहाँ से यहाँ लेंगे, इसके ऊपर आएगा, देखिए इस तरह से हम उनका बकल लेते हैं। देखिए हमारी लास्ट लाइन आ गई है, लाइन में देखिए हमें यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे ये। इस तरह से ये, और अब ये हमारी जगह बची है, यहाँ पर हम इसको ले लेंगे। अब लास्ट जो है ये इसको यहाँ से कट कर देंगे, देखिए जो लास्ट है ये इसको हम यहाँ पर से अंदर कर लेंगे, क्योंकि ये लैस हमारी उधरने वाली है, यहाँ चिपकाएंगे तो उधर सकती है, इसलिए अगर हमारी इस तरह से हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप इसको बाहर ही चिपका लीजिए। किसी भी छुरी से या पेचकस से आप इसको अंदर कर दीजिए। इस तरह से हो गई मलिए, और बस फिर यहाँ पर हम हल्का सा झूला कर से पक्का कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये पगड़ी बनकर आई है, बहुत आसानी से बन गई है, सिर्फ लैस को लपेट कर हमने इतनी सुंदर सी पगड़ी बना ली है ये। अब हम इसके ऊपर की कलगी बना लेते हैं। देखिए कलगी के लिए बुकरम ली है मैंने, जिसकी लंबाई है 3.5 इंच और चौड़ाई है 1.5 इंच। देखिए हमें क्या करना है, पहले हमें इसको डबल करना है। देखिए डबल करने के बाद लगभग हमें 1/2 इंच छोड़ के यहाँ से हमें तिरछा कट करना है, इस तरह से ये, इस तरह से, इस तरह से हमारी आएगी है। अब हमें इसमें एक साइड यहाँ पर कपड़ा लगाना है, जैसे हमारी पगड़ी है इस कलर की है, अगर आप इसी कलर का कपड़ा लगाना चाहे तो इसी कलर का लगा लीजिए, कंट्रास्ट में लगाना चाहे तो कंट्रास्ट में लगा लीजिए। मैं इसी कलर का इसमें यहाँ पर कपड़ा लगा लेती हूँ। कपड़े को हमें फेविकॉल से ही चिपकाना है, तो हम चिपका लेते हैं। ये देखिए मैंने कपड़ा चिपका दिया है, और इधर से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक हमें कोई भी लैस लगानी है। मेरे पास इस तरह की नग लैस है, इसको मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। अगर आपके पास इस तरह की लेस ना हो तो आप यहाँ पर कोई भी नग बटन है, छोटे छोटे नग हैं या फ्लावर्स हैं, उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए लेस को लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, अब हम इसमें प्लीट डालेंगे, इस तरह से हमें इसमें प्लीट डालनी है, इस तरह से छोटी छोटी सी हमें प्लीट डालनी है। ध्यान रहे नीचे से हमारा ये एक सा आना चाहिए यहाँ से,
और ये सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा इस तरह से आना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से गिरा है। इस तरह से अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे सबको। देखिए इस तरह से हमारी कलगी आएगी, बिल्कुल नए स्टाइल की कलगी हमारी आएगी। अब क्या करेंगे, नीचे से हम यहाँ पर इसको एक धागे से बांध देंगे। ये देखिए धागा लिया है मैंने, धागे को हम यहाँ पर इस तरह से जो हमारा पुक्रम के नीचे का कपड़ा आ रहा है वहाँ से हम बांधना स्टार्ट करेंगे और वहीं पर हमें बांधना है इस तरह से। देखिए हमारी कलगी बनकर आ गई है ये, और हम इसे अपनी पगड़ी के ऊपर लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से इसको लगाना है हल्का सा तिरछा करते हुए, यहाँ पर हम वो लगा लेंगे। यहाँ पर रख देंगे इस तरह से, अच्छे सूख देंगे इसको। ये देखिए सूख गई है और ये यहाँ पर फिक्स हो गई है। अब देखिए अब हमें इसको डेकोरेट करना है, डेकोरेशन आपके ऊपर है, आप इसको कितना हैवी करना चाहते हैं या फिर बिल्कुल सिंपल सोबर करना चाहते हैं। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, मेरे पास इस तरह की है कि मोर पंख की बूटी है, इसको मैं यहाँ पर यहाँ लगा लूँगी। इस तरह से यहाँ पर इसको लगा देंगे और इस तरह के ये नगडन है इसको आप यहाँ पर इस तरह से बीच में लगा सकते हैं और फिर यहाँ यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा सकते हैं, यहाँ बीच पर लगा सकते हैं, जितना हैवी करना चाहें आप इसको उतना हैवी कर सकते हैं। यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरह से तो आपकी और सुंदर लगेगी, और आप अगर आप बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं ऐसे तो आप इसी तरह से इसको पहनाइए, ऐसे ही ये बहुत सुंदर लग रही है। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी नगडन लगाकर इसको डेकोरेट कर लिया है, और डेकोरेट करने के बाद ये पगड़ी हमारी बहुत सुंदर लग रही है। अगर आप लोगों को भी ये पगड़ी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरी पगड़ी की ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।